बड़ी खबर है उत्तराखंड में कल विधानमंडल दल की बैठक में सीएम पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम पर फाइनल मोहर लग गई है। उसके बाद आज बैठक होनी है उत्तराखंड की नई कैबिनेट को लेकर। सीएम धामी बीजेपी नेताओं के साथ ये मीटिंग करेंगे और बताया जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और ये फाइनल किया जाएगा कि किन किन नेताओं को कैबिनेट में शामिल करना है और इस लिहाज से ये मीटिंग बेहद ही महत्वपूर्ण है। खबर देहरादून से है नई सरकार की कैबिनेट पर मंथन। जी हां, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा रेखा रे, शैला रानी रावत हैं, गणेश जोशी हैं जिनको जिम्मेदारी मिल सकती है, अरविंद पांडे हैं, बिशन सिंह चुफाल हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, प्रेमचंद्र अग्रवाल है, मुन्ना सिंह चौहान है, रितु खंडूरी है जिन्हें कैबिनेट की दौड़ में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा किशोर उपाध्याय भी कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये कुछ संभावित चेहरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें ये माना जा रहा है कि कैबिनेट में जगह मिल सकती है, जिसमें रेखा आर्य का नाम है, गणेश जोशी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा रितु खंडूरी है, धन सिंह रावत है, शैला रानी रावत है, किशोर उपाध्याय है। ये तमाम वो संभावित चेहरे हैं जिन्हें माना जा रहा है कि कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप नेगी ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, संभावित चेहरे बहुत सारे हैं जिनके लिए माना जा रहा है कि कैबिनेट में जगह मिल सकती है, लेकिन इस लिहाज से कैबिनेट के लिहाज से आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। कुलदीप, देखिए ये जो बैठक होगी ये आंतरिक बैठक रहेगी, गोपनीय बैठक रहेगी और उसमें कुछ चर्चाएं जरूर होंगी, कुछ नामों को लेकर चर्चाएं जरूर होंगी। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी आलाकमान ने अब फिर से मौका दिया है कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को, उन्हें मनोनीत किया है, वो मनोनीत मुख्यमंत्री और कल वो शपथ भी लेंगे, तो उनकी कैबिनेट में कुछ तो पुराने चेहरे नजर आएंगे लेकिन कुछ नए चेहरे भी नजर आ सकते हैं, जिनमें कुछ नाम है जिनका जिक्र भी हम लोगों ने किया है कि कौन कौन वो चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं। हालांकि इंतजार करना होगा कल तक का कि कौन वो चेहरे हैं जो शपथ लेते हैं मंत्री पद की। कुल 11 मंत्री बनने हैं और इसमें यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो महिला मंत्री हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, दो महिला मंत्री धामी कैबिनेट में नजर आ सकती हैं। हालांकि कल के लिए इंतजार करना होगा कि जब मंत्री शपथ लेंगे और जो तैयारियां हैं शपथ ग्रहण को लेकर, वो तैयारियां भी काफी बेहतर तरीके से की जा रही हैं। इस बार जो मिथक टूटा है उस मिथक को तोड़कर बीजेपी ने एक इतिहास बनाया है और जो शपथ ग्रहण होगा कहीं ना कहीं उसको भी कुछ इसी तरह का प्रारूप देने की तैयारी है, ताकि वो भी एक यादगार रहे। उसी परेड मैदान में किया जा रहा है जहां से बीजेपी ने चुनावी शंखनाद किया था। जी ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए कुलदीप।